तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि अप्रोचेस टू लोपा क्या है। अप्रोचेस टू लोपा में हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अप्रोच को हम यूज करेंगे। इसमें हम एक मैथ्स की रेफरेंस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि ये हमारा रिस्क जो है टॉलरेबल फ्रीक्वेंसी है वो 100 पर ईयर होगा कि 1 लाख पर ईयर होगा कि 10,000 सॉरी 1 पर 10,000 ईयर होगा कि 1 लाख पर ईयर होगा, उसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अप्रोच थी। इस वीडियो में हम लोपा की वर्किंग को समझेंगे कि लोपा की वर्किंग स्टार्ट कहां से होती है। लोपा की वर्किंग हमेशा स्टार्ट होती है आपका जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कोई भी एक जो डिविएशन हो, डिविएशन मतलब अनइंटेंडेड एक्शन, कोई ऐसा एक्शन हो जो इंटेंडेड नहीं था जिसकी वजह से प्रोसेस में हैजर्डियस कॉन्सिक्वेंस क्रिएट हो। हैजर्डियस कॉन्सिक्वेंस, मैं सपोज एक एग्जांपल देता हूं, आपका ये एक बैच रिएक्टर है, इसमें एक इंटेंडेड एक्शन था कि कंट्रोल्ड क्वांटिटी में लिमिटिंग एजेंट जाना चाहिए रिएक्शन के लिए, लेकिन लिमिटिंग जो एजेंट है वो ज्यादा चला गया, तो यहाँ पे एक्शन जो रिएक्शन था वो अनकंट्रोल्ड हो गया। तो हैजर्डियस कंसीक्वेंस क्या हुआ, रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो गया और रनअवे हो गया, मतलब प्रोसेस से बाहर निकल गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। तो ये आपका लोपा जो है वो आपको इस तरीके के हैजर्डियस कंसीक्वेंस में किसी एक सिनेरियो को उठा के ये लेयर्स इंडिपेंडेंटली कैसे बिहेव करेंगी और ये लेयर सफिशियंट है कि नहीं उस इंसिडेंट सिनेरियो को रोकने के लिए आपकी टॉलरेबल रिस्क के अकॉर्डिंग, वो कैलकुलेशन हम लोपा से करते हैं। ठीक है, तो ये लेयर्स क्या हैं, ये जो लेयर्स हैं इंडिपेंडेंट लेयर्स जो हैं प्लांट इमरजेंसी रिस्पांस, फिजिकल प्रोटेक्शन डाइक्स, फिजिकल प्रोटेक्शन रिलीफ, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में जितनी भी ये लेयर्स हैं इनको एक एक करके आपको बताऊंगा।